मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम एक नई ट्रिप पे निकल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, हमारे आने वाले व्लॉग में आपको आगे पता चलेगा, तो हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल मैं बना रही हूँ चाय और सब लोग रेडी हो रहे हैं। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और सुबह नहा धो के रेडी हुई हूँ, तो थोड़ी सी ठंड भी लग रही है, तो गरम गरम चाय के मज़े तो लेने ही बनते हैं। तो चाय पीते हैं, फिर उसके बाद रेडी होके आगे निकलते हैं और आपको बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये है मेरा सारा सामान, मेरा क्या जितने लोग जा रहे हैं उन सबका सामान है, और इसे अभी हम लोग जा रहे हैं गाड़ी में लोड करने। गाड़ी में लोड होते ही हम लोग शुरू कर रहे हैं अब अपना सफ़र। सफ़र शुरू हुआ है, थोड़ा सा अंधेरे में हुआ है क्योंकि समय हुआ है अभी सिर्फ 4:30, और सुबह होते ही 4:30 बजे अभी ठंड के टाइम पे निकलो तो जैसा थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा होता है वैसे ही है, लेकिन बहुत ही मज़ा आ रहा है। हम लोग सुबह सुबह निकले हैं, तो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं ये तो आपको समझ ही में आ गया होगा, लेकिन कहाँ जा रहे हैं वो जाने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। पर फिलहाल आप इस व्यू को एंजॉय करिए, क्योंकि सुबह सुबह जो खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं वो आपको पूरे दिन नहीं मिल सकते हैं, और ये नज़ारे बहुत कम लोगों को बहुत मुश्किल से ही नसीब होते हैं। तो फिलहाल आप इसे एंजॉय करिए। और अभी ठंड ज़्यादा हो रही है, बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड है, तो हम लोग फिलहाल चाय को ढूंढ रहे हैं कि चाय मिल जाए गर्मा गर्म, हम लोग चाय पिएँ। तो कहीं पर भी अभी हमें चाय दिखेगी तो हम लोग गाड़ी साइड लगा के चाय पियेंगे। पहले किस्मत से चाय हमें बहुत ही जल्दी मिल गई, तो फटाफट से अभी हम लोगों ने चाय पी और उसके बाद सोचा गाड़ी में बैठ जाऊँ, लेकिन उसके पहले मुझे ये मिल गया जूस। मेरे को ड्रिंक ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मेरी फेवरेट है, तो मैंने सबसे पहले ये ड्रिंक ली इसको पीने के लिए कि मैं थोड़ी देर चाय पी के रेस्ट करके तब इसको पीऊँगी। और ये सब आराम से सोते रहते हैं, ये भाई साहब अलग से अपने गन्नू जी को लेके सो रहे हैं, दीदी अलग सो रही है, सब लोग सोते हुए जा रहे हैं, लेकिन हम लोग बकरियों को चढ़ते हुए जा रहे हैं। यहाँ गाय बकरी इतने सारे हम लोग को रास्ते में मिले हैं कि कुछ पूछिए ही ना। पता नहीं क्या था आज कि आज सारे लोग हम लोग को दर्शन दे रहे थे, लेकिन फिलहाल हम लोग रास्ते को एंजॉय करते हुए मैं दीदी जीजू आराम से जा रहे थे। और ये अभी थोड़ी देर में ही हम लोग बैठे हुए थे, हम लोग बातें कर रहे थे, तो सोचा आपको भी दिखा दूं। और ये हैं मेरी फैमिली, तो ये फैमिली आप पहले भी देख चुके होंगे मेरे पहले वाले व्लॉग में। और ये हैं दीदी लोग जो अभी आए हुए हैं, जिनके साथ हम लोगों ने ये ट्रिप प्लान किया है। तो ये ट्रिप कहाँ का है ये सस्पेंस अभी भी बना हुआ है, तो इस सस्पेंस को रिवील होने में थोड़ा सा टाइम और है, तो अभी भी हमारे साथ बने रहिएगा। और जो लोग अभी तक बने हुए हैं उनके बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाड़ी में बैठे बैठे काफ़ी देर से हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, तो सोचा एक बार फिर से चाय पीते हैं, थोड़ा फ्रेश फील करते हैं। तो हम लोगों ने फटाफट से चाय ऑर्डर करी और चाय का इंतज़ार ही कर रहे थे। चाय पीने के बाद हम लोग यहाँ से निकले, और जी हाँ अभी थोड़ा सस्पेंस और ख़त्म होता है कि हम लोग आ रहे थे कैलकटा। कैलकटा में अब क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, हमारा मेन मकसद क्या है कैलकटा आने का, ये थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ से हम लोग वेलकम अपना करवाते हैं और अपने रास्ते को, अपनी जर्नी को यहीं से शुरू करते हैं कैलकटा की। तो वेलकम टू कैलकटा। अब और ये आपको क्या दिखा है, जिन्हें जिन्हें पता हो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा। फ़िलहाल मैं तो बताऊँगी ही, लेकिन आप भी बताइएगा। और रास्ते चलते ही मुझे लिखे रेड रोज़, जो मुझे बहुत पसंद है, तो इन्होंने मेरे को पहले रेड रोज़ दिलाए जो मैं पाके बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। और चलते चलते बस हम लोग अपने होटल के नज़दीक थे और होटल पहुँच गए, यहाँ पे हम लोग उतरे। और
चल रहा था विक्टोरिया मेमोरियल की लाइट्स ऑन हो रही थी क्योंकि ये शाम में बहुत ही अच्छा जगमगाता है। तो शाम हो चुकी थी, हम लोग को अंदर एंट्री करते हुए पहुंचने में थोड़ा सा वक्त लग गया था, हम लोग फ़ोटोज़ क्लिक कराने लगे थे। तो अंदर जाते जाते यहाँ लाइट्स भी ऑन हो गई थी और उसके बाद ये नज़ारा था शाम के विक्टोरिया मेमोरियल का। तो इस नज़ारे को देखते हुए हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए अंदर एंट्री कर रहे थे कि सोचा कि चलो चलते हैं अंदर देखते हैं क्या है। तो अभी चलते हैं, देखते हैं अंदर आपको क्या क्या मिलता है। कलकत्ता और शॉपिंग ना करो यहाँ की, वो कैसे पॉसिबल हो सकता था। तो हम लोग यहाँ से निकल के सबसे पहले गए मार्केट और यहाँ पे कि हम लोगों ने बेहद शॉपिंग, हर एक चीज़ का यहाँ पे बहुत अच्छा कलेक्शन रहता है, थोड़ा सा ट्रेंडी रहता है और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो हम लोग ये मौका कभी नहीं छोड़ते हैं जब भी कलकत्ता आते हैं, और ये मौका इस बार दीदी लोगों ने भी नहीं छोड़ा। तो हम लोगों ने यहाँ पे कि बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा देर अच्छी अच्छी शॉपिंग, और शॉपिंग करने के बाद हम लोग निकले अपने होटल के लिए क्योंकि हमें नेक्स्ट डे फिर जल्दी उठना था और हमें जाना था यहाँ के मेन मकसद के लिए। तो हम लोग फटाफट से निकले, रूम पे गए और उसके बाद आप इंतज़ार करिए डे टू का। हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज कलकत्ता का सेकेंड डे है और हमें आज दो दो मंदिर जाने हैं और शाम में हमारा रिटर्निंग भी है, तो फटाफट से सारे काम करने हैं। वैसे तो हमारा प्लान था 8:30 तक यहाँ से चेकआउट करने का होटल से, लेकिन लेट हो गया है, सब लोग कल काफ़ी लेट में सोए और उठने में लेट हो गया। अभी तो 9 बज रहे हैं, कोशिश करेंगे 9:30-10 बजे तक यहाँ से चेकआउट कर लें जिससे टाइमली हम लोग टेम्पल के दर्शन भी कर लें आराम से माता रानी के। और ये यहाँ के लोगों को ही पता होगा, मोस्टली जो लोग यहाँ आ चुके हैं उन्हें ही पता होगा क्योंकि मंदिर दोपहर में 12 से 3 बंद रहता है। तो बहुत जल्दी हमें काम भी कंप्लीट करने हैं जिससे टाइमली हमें माता रानी के दर्शन हो जाए और हम लोग यहाँ से निकल सकें क्योंकि कल ऑफिस भी है, फटाफट से सारे काम करने हैं और लेट नाइट हो गया तो फिर नेक्स्ट डे उठने में दिक्कत होगी। तो अभी तो ट्राई कर रहे हैं फटाफट से और देखते हैं अभी क्या होता है। बच्चों का बढ़िया है, टाइम कुछ भी हो आराम से सोते हैं आराम से उठते हैं, बाकी लोग टेंशन लें उठाएं जो करना है करें। देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है सोते हुए। ओए ओए तत्व तत्व, इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो, उठ जाओ उजाओ उजाओ उजाओ। देखा उठता ही नहीं है, कितना ही उठा लो लेकिन भाई साहब सो रहे हैं। फिर उठेंगे फिर की की करेंगे, फिर उसके बाद उठेंगे, फिर इनको कुछ कुछ चाहिए रहेगा, उसके बाद पता नहीं ये क्या क्या करेंगे लेकिन ऐसे ही उठेंगे। देखो 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 देखो, अच्छा स्माइल कर दो स्माइल कर दो, अच्छा गुड मॉर्निंग बोल दो, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग बोल दो, नहीं बोलोगे? गुड मॉर्निंग। चलो सो। तो किसी तरह तत्व उठ गए थे तो दीदी ने फटाफट से उसको रेडी किया और हम लोग नीचे गए रेस्टोरेंट कुछ खाने के लिए। और सबसे अच्छा था कि ये लोग अपने में बिज़ी थे तो मैंने फटाफट से एक हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया और हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद से फिर हम लोग निकले यहाँ से। कहाँ जाने के लिए ये आप शायद हमें देख करके ही समझ गए होंगे हमने जो वेयर किया है, लेकिन फिर भी अगर जो लोग समझ गए वो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और आपको थोड़ी देर में पता चलने वाला है कि हम लोग कहाँ पहुँचने वाले हैं। तो अभी आपको दिख रहा होगा हम लोग फाइनली पहुँचे हैं माता रानी के दर्शन करने। तो बड़ी काली जी एक बहुत अच्छा, सबका मतलब जितने भी हिंदू होंगे वो शायद से समझ रहे होंगे कि उनका कितना एक अटैचमेंट होता है मंदिर जाने से, और एक ऐसा मंदिर जो खुद में एक शक्ति पीठ है वहाँ जाना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है और हमने वो मिला। तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं माता के दर्शन करने, तो चलिए चलते हैं माता के दर्शन करने।
पर उससे पहले आपको बहुत ज़रूरी बात बता दूं, यहाँ लोगों का बहुत मानना है कि यहाँ अगर आप बाहर पंडित जी ले लेंगे तो वो फ्रॉड करते हैं, बीच रास्ते पे आपको छोड़ देते हैं, पर गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको जल्दी दर्शन करने हैं भगवान जी के, 6-7 घंटे अगर आपके पास हैं बहुत अच्छी बात है, आप खड़े हो सकते हैं, पर जिनको जल्दी दर्शन करने हैं 1 घंटे में दर्शन करने हैं, हाँ आपको मैं ये भी बता दूं कि अगर आप पंडित जी लेते हैं तो आपको बहुत जल्दी दर्शन तो नहीं हो जाएंगे कि आपको भीड़ नहीं मिलेगी, आपको VIP लाइन मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खड़े होकर काफ़ी भीड़ में माता रानी के दर्शन कर पाएंगे, लेकिन हाँ 6-7 घंटे की जगह आपको 1 ही घंटा लगेगा। तो जिनको जिनको जल्दी है, जिनको घर भी जाना है उसी दिन, जिनको और भी काम है, वो पंडित जी बाहर से ले सकते हैं आराम से, और दर्शन करने के बाद आप वापस निकल सकते हैं। और देख रहे होंगे यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, मतलब आप लाखों की तादाद में यहाँ पे जनता आती है, भक्तगण आते हैं, तो यहाँ पे भीड़, चोरी, मतलब बहुत कुछ ऐसा पॉसिबल है। तो जितना हो सके आप अपने ज़रूरी सामान अपने रूम पे ही छोड़ के आइएगा। फ़िलहाल अभी हम लोग के दर्शन में हम लोग करने जा रहे हैं, तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि अंदर वीडियोज़ अलाउ नहीं है, तो जितना हो सकेगा मैं आपको दिखाऊँगी और फिर निकलेंगे यहाँ से। दर्शन हो चुके हैं तो अभी फटाफट से चलते हैं हम लोग होटल, क्योंकि अभी हमें चेकआउट भी करना है। तो अभी जाते हैं, चेकआउट करते हैं, चेंज करते हैं और मिलते हैं आपसे होटल पे। फटाफट से चेंज कर लिया है, मंदिर दर्शन हो गए हैं, बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं, बस प्रॉब्लम ये थी कि भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी। और अब चेंज कर लिया है, चेकआउट करना है फटाफट से, उसके बाद जाएंगे हम लोग दक्षिणेश्वर काली जी मंदिर, और इसके ड्रामे चल रहे हैं, तो फटाफट से अब जाते हैं, निकलते हैं यहाँ से, चेकआउट करते हैं और मिलते हैं दक्षिणेश्वर काली जी मंदिर पर। पर कहीं भी जाने से पहले अपने पेट की पूजा करना तो बनता है, तो सबसे पहले हम लोगों ने की अपनी पेट पूजा और उसके बाद निकले अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। और निकलते ही दीदी और तत्व अपने डीप स्लीप में जा चुके हैं, क्योंकि एक गाड़ी में बैठते ही अपनी निद्रा में खो चुके होते हैं और सीधा उठेंगे अब सीधे मंदिर पे ही। तो देखिए मंदिर भी आ चुका है और ये लोगों का उठने का समय भी आ चुका है, तो चलिए अभी करते हैं दक्षिणेश्वर काली जी मंदिर के दर्शन। और यहीं दर्शन करने के बाद आप बाहर निकलते ही आपको लाइन से शुद्ध शाकाहारी भोजनालय मिल जाएंगे, तो यहाँ आप अपनी पेट पूजा शांत कर सकते हैं, अपनी पेट की पूजा कर सकते हैं, अपनी भूख को शांत कर सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें। तो हम लोगों ने यहाँ पे अपना जो भी कहना चाहें वाला काम किया और फिर उसके बाद निकलेंगे घर के लिए, क्योंकि रांची काफ़ी दूर है अभी यहाँ कलकत्ता से, तो खाना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी था, बीच में पता नहीं कहाँ पर खाना मिलता, तो पहले हम लोगों ने खाना खाया और फिर हम लोग यहाँ से निकल दिए। अभी 7 बजे हैं लेकिन घर पहुंचने का टाइम दिखा रहा है 1 बजे, तो फ़िलहाल तो निकल दिए हैं, खाना वाना खा लिए हैं, अब हम लोग खोज कर रहे हैं चाय की, क्योंकि हमारे घर में चाय ना पियो सुबह शाम, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो चलिए अभी ढूंढते हैं चाय। तो फिलहाल ढूंढने ढूंढते हमें चाय मिल ही गई, और चाय पीने के बाद अब हम लोग सोच रहे थे कि 9:30 बज ही चुके हैं, तो डिनर करके ही यहाँ से चलें, क्योंकि रात के समय में कहाँ पे क्या मिले कुछ पता नहीं रहता है। तो थोड़ी दूर चलने के बाद हमें एक ये रेस्टोरेंट दिखा जहाँ पे हम लोगों ने अपनी पेट पूजा फिर से वापस से की, क्योंकि भूख तो काफ़ी लगी चुकी थी, 2-2.5 घंटे हमें हो ही चुके थे और रात होने के बाद तो घर में खाना बनाना पॉसिबल नहीं था, तो हम लोगों ने सोचा यहीं खा पी के आराम से चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने फटाफट से खाया और फिर घर के लिए। तो ऐसे ही रुकते रुकाते हम लोग घर पहुंचने में वैसे ही काफ़ी लेट कर चुके थे, 2:30 बजे हमें अराइवल दिखा रहा था, लेकिन मस्ती हम लोगों ने बहुत सारी करी। तो जिन्हें जिन्हें ये व्लॉग अच्छा लगा हो प्लीज़ हमारा सपोर्ट करिएगा, हमारे व्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे हमारे वीडियो की कोई भी न्यू अपडेट हो तो आप तक पहुँच सके। अभी बहुत कुछ बाकी है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।